राज्य सरकार स्टार्टअप योजना के तहत यूथ कनेक्ट पूर्णिया के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीतामढ़ी में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से भ्रमण दर्शन योजना के तहत 120 मत्स्य पालकों को नई तकनीक की जानकारी के लिए विभिन्न जिलों में भेजा गया। पश्चिमी चंपारण के बगहा में गंडक नदी के तेज बहाव कटाव के कारण पीपी तटबंध सहित कई जगहों पर क्षतिग्रस्त, तटवर्ती इलाकों के गांव में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल। देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन झारखंड के गुड्डा स्टेशन से खुलेगी। बोधगया में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी में ई परिवहन संबंधित सेवाओं, इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा पर चर्चा हुई। पूर्वी चंपारण में श्रम संसाधन विभाग की ओर से आज एक दिवसीय श्रमिक प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहरसा में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम के लिए प्रशिक्षण कार्यालय का किया गया आयोजन। करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 अंसारों के शहादत के याद में पटना सिटी के इमाम बांदी बेगम वक्फ स्टेट परिसर से 72 ताबूत निकाला गया। मुंगेर जिला मुख्यालय में मुंगेर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने 7 माह के मानदेय के भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में आज शाम हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत।